दोस्तों नमस्कार, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कृत्रिम गर्भाधान या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बारे में, जिसे शॉर्ट में AI भी कहते हैं। वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर AI का इतिहास क्या है, क्या AI करवाने के वास्तव में फायदे हैं, अगर फायदे हैं तो वो क्या है, AI आखिर कब करवानी चाहिए, AI कब नहीं करवानी चाहिए, लोगों के मन में इसके प्रति क्या क्या धारणाएँ हैं इत्यादि के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे इसके इतिहास के बारे में। सबसे पहले डोग में 1780 में इटली के वैज्ञानिक स्पेलंजानी ने सफलतापूर्वक आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया था, और उन्होंने ही पता लगाया था कि स्पर्म में शुक्राणु को कूलिंग या ठंडा करके इनएक्टिव किया जा सकता है तथा उसके बाद फिर से उसे एक्टिव भी किया जा सकता है। AI या कृत्रिम गर्भाधान डेनमार्क में कोऑपरेटिव सेक्टर के रूप में स्टार्ट किया गया। डेनमार्क से होते हुए अमेरिका पहुंचा और अमेरिका में कोऑपरेटिव सेक्टर के रूप में यह काफी विकसित हुआ। उसके बाद से आज इंग्लैंड, हॉलैंड, डेनमार्क में लगभग 90% डेयरी गायों में AI की जाती है, और इस प्रकार अमेरिका में आज लगभग 60% डेयरी गायों में AI की जाती है। तो अब बात करते हैं AI या कृत्रिम गर्भाधान के लाभ के बारे में। तो सबसे पहला लाभ ये है कि AI करवाने से ब्रीडिंग बुल या सांड को रखने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे उसकी कॉस्ट बच जाती है। दूसरा आता है, कई बार पशु जब हीट पर आता है तो ब्रीडिंग बुल यानी सांड को सर्विस के लिए अलाउ नहीं करता, जबकि AI में ऐसी समस्या नहीं आती। तीसरा आता है इसमें कि एक अच्छे बुल का जो सीमन है वो उसके मरने के बाद भी काम में आ जाता है, ये इसका सबसे बड़ा फायदा है। वेनेरियल डिजीज जैसे कि ट्राइकोमोनियासिस या कैम्पाइलोबैक्टेरियोसिस, ये इस प्रकार की बीमारियां हैं जो कि संक्रमित बुल या सांड से स्वस्थ गाय की मेटिंग के दौरान गाय में आ सकती है, या संक्रमित गाय से स्वस्थ बुल ने अगर मेटिंग कर ली है और फिर इस बुल से किसी अन्य स्वस्थ गाय ने मेटिंग कर ली है तो उस स्वस्थ गाय में भी ये हो सकती है। इसमें खास बात यह है कि जो संक्रमित बुल या सांड है बाहर से देखने पर एकदम स्वस्थ दिखाई देता है, यहाँ तक कि उसके सीमन की जांच में भी कई बार यह संक्रमण दिखाई नहीं पड़ता है। इन बीमारियों की वजह से पशु में अर्ली अबॉर्शन हो सकता है, जिसका मतलब है 2 से 3 महीने का जो गेवन पशु है वो बच्चा फेंक सकता है, और इन्फेक्शन होकर पसिया मवाद भी पड़ सकती है, जिसकी वजह से ना तो पशु प्रॉपर हीट में आएगा, और अगर मान लीजिए हीट पे आता है तो वो बार बार रिपीट होता रहेगा जब तक कि उसका ट्रीटमेंट ना करवा लिया जाए। इसका सबसे ज्यादा खतरा फर्स्ट का फीफर या पैलून गाय या जो गाय एक बार बेवी है उसे होता है, क्योंकि उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, और HF और क्रॉसब्रीड गायें इन बीमारियों के प्रति ज्यादा संवेदनशील होती हैं। तो इस प्रकार AI करवाने से ऐसी बीमारियों का खतरा कम हो जाता है, क्योंकि AI में जिस बुल का सीमन काम में लिया जाता है वह पूरा टेस्टेड व एकदम स्वस्थ होता है, वह सुपीरियर जेनेटिक क्वालिटी का होता है, मतलब उसकी माँ हाई यील्डर्स या ज्यादा दूध देने वाली गाय ही रही होगी। AI करवाने से पशु का रिकॉर्ड रखना आसान हो जाता है, क्योंकि अगर AI की तारीख हमसे मिस भी हो जाती है तो AI करने वाली संस्था के पास वह तारीख हमेशा सुरक्षित रहती है। अब बात करते हैं AI करवाने का सही समय क्या है, कब AI करवानी चाहिए। तो जब पशु हीट में आता है तो उसके 12 से 18 घंटे के दौरान AI करवा लेनी चाहिए। उदाहरण के लिए अगर पशु सुबह 6 बजे हीट में आता है तो शाम को 6 बजे से रात 12 बजे तक उसकी AI हो जानी चाहिए। उसके बाद AI करवाने से रिपीट होने के चांस बढ़ जाएंगे, क्योंकि ओव्यूलेशन का या अंडा निकलने का सही समय जो है वो पशु की हीट समाप्त होने के 10 से 15 घंटे बाद का होता है। अब बात करते हैं पशुपालक भाइयों के AI के प्रति क्या क्या धारणाएं हैं। कई पशुपालक भाई मानते हैं कि AI से उत्पन्न बच्चों में वो बात नहीं होती, या वो कमजोर होते हैं, बीमारी के प्रति ज्यादा संवेदनशील होते हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने वीडियो में पहले भी बताया कि सीमन कलेक्शन और स्ट्रा पैकिंग के लिए सामान्यतः उसी बुल का सीमन लिया जाता है जो एकदम स्वस्थ हो, सुपीरियर जेनेटिक क्वालिटी का हो। दूसरी धारणा ये होती है कि पशु के AI तब करवानी चाहिए जब पशु हीट से बाहर आ जाए, उसकी हीट चली जाए। तो चलिए क्यों पशु की AI समय पर करवानी चाहिए, इसे थोड़ा विस्तार से देखते हैं। अब मान लीजिए कि हमने पशु की हीट में आते ही AI करवा ली, तो अंडा निकलने का समय क्या है, पशु के हीट में जाने के 10 से 15 घंटे बाद, और हीट में रहने का समय है 12 से 28 घंटे, तो टोटल होगा 22 से लेकर 43 घंटे बाद अंडा निकलेगा। और स्पर्म में शुक्राणु की जो लाइफ है वो 30 से 48 घंटे की होती है, तो क्या होगा कि स्पर्म अंडे तक पहुंचने से पहले ही मर जाएंगे।
अब बात करते हैं एआई अगर लेट करे मतलब पशु के हीट में जाने के 10 से 20 घंटे बाद करें तो क्या होगा। देखिए स्पर्म को अंडे तक पहुंचने में तो कुछ ही मिनटों का समय लगता है, परंतु निषेचन या फर्टिलाइजेशन के लिए 24 घंटे का समय लगता है। तो जो शुक्राणु कुछ मिनटों में पहुंच रहे हैं वो तो निषेचन के लिए उपलब्ध हो जाएंगे, परंतु स्टार्टिंग में अगर फर्टिलाइजेशन या निषेचन किसी वजह से फेल हो गया तो जब तक बाद वाले स्पर्म अंडे तक पहुंचेंगे तब तक अंडा मर चुका होगा या निष्क्रिय हो जाएगा। तो इस प्रकार अगर एक बार अंडा निष्क्रिय हो जाएगा या नष्ट हो जाएगा तो फिर फर्टिलाइजेशन भी फेल हो जाएगा, क्योंकि सामान्यतया एक हीट पर एक अंडा ही रिलीज होता है, जबकि एक सीमेनिस्ट्रा में स्पर्म की संख्या तो लाखों में होती है। देखिए दोस्तों, जब पशु हीट में आता है तो उसका डिस्चार्ज, जिसे जेरिया, जरवाड़े या लारी भी कहते हैं, एकदम साफ होना चाहिए, आर पार दिखने वाला होना चाहिए। अगर हल्का सफ़ेद है, हल्का पीला है तो हमें एआई नहीं करवानी, पहले उसका ट्रीटमेंट करवाना है, उसके बाद ही उसमें एआई करवानी है, क्योंकि इस प्रकार का डिस्चार्ज इन्फेक्शन की वजह से आता है। इसके अलावा अगर हीट खत्म हो जाने के बाद हल्के सफ़ेद जेरी या डिस्चार्ज देता है तो वह भी नॉर्मल है, थोड़ी ब्लडिंग या खून आता है तो वह भी नॉर्मल है, उसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाना। तो कई बार हमारे पशुपालक भाई इस प्रकार ब्लडिंग देखकर या खून देखकर घबरा जाते हैं, तो इसमें घबराने या डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसे मेटास्टेसिस ब्लडिंग कहते हैं और ये एक सामान्य प्रक्रिया या नेचुरल प्रोसेस है जो कि एडल्ट गाय या भैंस किसी में भी हो सकती है। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे आप लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई अन्य जानकारी आपको चाहिए तो आप सीधे कॉल भी कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं।